एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। शोपियान के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैश्य ने मिनी सचिवालय अरहमा शोपियान में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए वन अधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन और मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संबंधित उपायों की समीक्षा की। डीएम ने संभागीय अधिकारी शोपियान को अधिनियमों के तहत सभी लंबित प्रकरणों का निरस्त करने का निर्देश दिया। संवाददाता मिर्सद जात की यह रिपोर्ट। आजादी के 75 साल बाद कुपवाड़ा के एक सुदूर गांव के निवासियों को भारतीय सेना द्वारा निर्मित जलापूर्ति परियोजना के माध्यम से पानी मिलना शुरू हो गया है। कुपवाड़ा टेरियर सीओ कर्नल स्वराज भट्टाचार्य ने 20 दिसंबर 2021 को सिंगरून पति वारसून कुपवाड़ा में नव निर्मित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। हम शुक्रगुजार इसका है। और रोड का मसला भी था, यहाँ से यहाँ तक रोड भी नहीं था। ये दूर अंदाज मैंने रक्षित किया था गवर्नमेंट को, यहाँ तक नहीं हुआ। ये हड़े से मिलता है रोड, आस्ते आस्ते होगा। तो हम शुक्रगुजार इस चीज़ का काम किया। यहाँ सड़क के आब के अच्छे सठा शुक्र गुजार आर्मी हंद अस वन डेमस मह फसा चारवे तो फसा रोजा त्रेश हूं अरमान अत क्या वन तरसा त्रेश दा वोत शुक्र गुजार। पार्षद व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष यूथ पीडीपी इरफान अली ने जलालाबाद सोपोर का दौरा किया। पेड़ पर लटके बिजली के तार जलालाबाद सोपोर में जोखिम पैदा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि कंक्रीट के बिजली के खंभे और मानक तार के अभाव में उनके जीवन और संपत्ति को खतरा है, क्योंकि अधिकांश तार पेड़ पर लटके हुए हैं। इस मौके पर इरफान अली ने कहा कि संबंधित विभाग नए पोल लगाए ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सके। संवाददाता इरफान नजीर की। सिडबी बैंक ने एनजीओ टीवाई सीआईए और ग्राउंड इंप्लीमेंटिंग पार्टनर एनजीओ रिचा के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट समर लॉन्च किया, जो कुपवाड़ा में 10 परिवारों के लिए भारतीय सेना के सहयोग से एक सशक्तिकरण पहल है। परियोजना का लगभग एक महीने पहले उद्घाटन किया गया था और आज सभी लाभार्थियों को उनके खाते में रिचा से 30,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर कर्नल एमएस नवलगट्टी सीओ 41 राज ट्राइबल ने पहल में शामिल एजेंसियों की सराहना की और लाभार्थियों को आश्वासन दिया कि सेना उनके पुनर्वास के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। संवाददाता आदिल अकबर की यह रिपोर्ट। व्हाट्सएप ग्रुप बना है जज्बा का, दोनों का भी है सागर सांस्कृतिक मंच जाकिर पट्टन द्वारा टाउन हॉल टंगमार में समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों और अभिनेताओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम टंगमार समीर जान मौजूद रहे। मंच के संरक्षक अली सागर नजीर ने अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की रिपोर्ट। सागर कल्चरल फोरम शुक्र पट्टन ने किया है और इस तकरीब में जिस चले कलान की आमद का जो जश्न मनाया गया उसमें दो तीन एक तो कश्मीरी किताबें उनकी रस्म रोनमाई यहाँ पर की गई, जिनमें मौलवी रियाज हाकबारी की एक किताब है और एक गमगीन साहब की किताब है। तो ये जश्न सागर कल्चरल फोरम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और यहाँ पर उन्होंने ये जो जश्न मनाया है ये एक आमद भी है चले कलान की और इसके अलावा कश्मीरी सकाफत कश्मीरी तहजीब और कश्मीरी तमद्दुन के हवाले से वो जो काम कर रहे हैं आइंदा उस काम को आगे ले जाने के लिए भी उनका एक ये एंडीवर है। यही आज की तकरीब का मकसद है। तकसी से हर मौसम में इसका एक अपना रंग होता है निराला और उसके साथ साथ यहाँ का एक मुनफरिद कल्चर भी है। तो आज अंजुमन सदाए फैन राजवार हंदवाड़ा और जिला सूचना केंद्र कुपवाड़ा ने संयुक्त रूप से वेंगस वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाचलदार में जश्न आमद चला कलान विषय के तहत एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता कवि नजीर इब्न शाहबाज ने की। वेंगस वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन स्कॉट गुल और अब्दुल गनी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर एक मुशायरे का भी आयोजन किया गया। संवाददाता आदिल अकबर की रिपोर्ट। तरह के प्रोग्राम यहाँ मुनक़द किए वक्तन फ़वक्तन
क्योंकि 2-3 साल से हम ऑनलाइन प्रोग्राम मुनक़द करते रहे। आज हमने पहली बार सोचा कि दिसंबर है, चिल्ले कलान की आमद आमद है, हमने इस प्रोग्राम का नाम ही रखा जश्न आमद चिल्ले कलान। इस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक मुशायरा का भी इंतज़ाम रखा है और कुछ मौसीकी का प्रोग्राम भी रखा है। तो इसमें हमें तआवुन है ज़िला इत्तलाआती मरकज़ कुपवाड़ा का और तामीर इरशाद का, और आप जितने भी मीडिया से वाबस्ता हमारे दोस्त हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी अपना तआवुन साथ रखा। तो अंजुमन सदाई फ़न राजवार हंदवारा एक अदबी तहरीर से एक अदबी पांडक बिहार महा सड़क 3.75 किलोमीटर की 4 लेन की परियोजना का काम पिछले सप्ताह से फिर से शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने एबीडी न्यूज संवाददाता को बताया कि यह सड़क महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गांदरबल को श्रीनगर से जोड़ती है, उसके बावजूद भी काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसको देखते हुए हिलाल अहमद ने कहा कि एजेंसी ने साइट पर पुरुषों और मशीनरी को तैनात किया है और हम अगले वित्तीय वर्ष में परियोजना को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने उल्लंघन करने वालों से अनुरोध किया कि वे रिबन विकास अधिनियम का उल्लंघन न करें, अन्यथा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता डार मुस्ताकी, आपको पता है जो काम चल रहा है तकरीबन 5 साल से चल रहा है, 2016 में शायद इसका इनॉग्रेशन हुई थी, लेकिन काम का आप देखो रफ्तार क्या है, जो मतलब 2 साल में या 1.5 साल में मुकम्मल होनी चाहिए वो आज 5 साल में मुकम्मल नहीं हुई। और हमारा जो हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमारी मांग बेहमा चौक तक कम्प्लीट नहीं होती है, हमारी मांग बराबर कम्प्लीट तब हो जाएगी जब वायल ब्रिज के पार बाईपास तक मिल जाएगी। तो अब हम आपके वसात से गुजारिश करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और हम बहुत खुश हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने जुलाई से इस वाइल्ड ब्रिज पर वाइल्ड ब्रिज की तरफ भी तवज्जो दिया, बहुत तवज्जो दिया, अभी काम अच्छी चल रही है उस पर। तो अब हम उनसे और गुजारिश करते हैं कि ये फेज जो है इस पर भी काम लगनी चाहिए, वो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। टेकअप किया था ये 20 करोड़ का, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है।